दोस्तों, जैसे ही आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाता है और Google AdSense अप्रूव हो जाता है, देन आपकी इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही आपके Google AdSense के ऊपर $10 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो Google AdSense की तरफ से आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है। और सबसे मेन जो सेटिंग है वो है आपका USA टेक्स्ट फॉर्म, और आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है USA टेक्स्ट फॉर्म का, जो कि आपको अप्लाई करना होता है। और आज के वीडियो में हम वहीं जानेंगे कि किस तरीके से एक सही तरीके से आप Google AdSense के अंदर अपना USA टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल अप करेंगे और उसको भेजेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जैसे अपना Google AdSense ओपन किया है, यहाँ पे मेरे को नोटिफिकेशन मिला हुआ है रिक्वायर्ड टू सबमिट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे अभी $0 है, कुछ लोगों के $10 के बाद में ये दिखता है और कुछ लोगों को लेट दिखता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको अपने आप मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी $0 है हर जगह पे, तो हमें ये नोटिफिकेशन मिल चुका है क्योंकि ओल्ड अकाउंट है। तो यहाँ पर अब हम फिल करने वाले हैं अपना पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो। तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आपको मिला हुआ है, जस्ट आपको कुछ नहीं करना, मैनेज टेक्स्ट इन्फो पे क्लिक कर देना है और कुछ भी मैनेज नहीं करना। हाँ, इसमें स्टेप जो है वो आपको कोई भी मिस नहीं करना, अगर कोई भी स्टेप आप मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लॉस हो सकता है। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया मैनेज टेक्स्ट इन्फो, तो इसके अलावा एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको यहाँ से नोटिफिकेशन नहीं मिला तो आप पेमेंट इन्फो में जाके भी ये चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक मेरे को यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया है नोटिफिकेशन कि आपको सबमिट करना है अपना टेक्स्ट फॉर्म, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट इन्फो का ऑप्शन मुझे मिला है, जस्ट क्लिक करना है और स्टार्ट टेक्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आपको टेक्स्ट फॉर्म जो है वो स्टार्टअप करना है और उसको आपको भरना है पूरी तरीके से, सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। तो फिल किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। तो जो भी ईमेल आपकी है, जिस भी ईमेल से आपका गूगल एडसेंस है, उस ईमेल से आपको यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर लॉगिन मांगेगा। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड फिल कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर लेता हूँ, तो देन हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर हो जाएगा ओपन। और यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म जो है यूएसए का वो हमारे सामने ओपन हो गया है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक स्टेप आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात तो ये है कि आपका अकाउंट टाइप क्या है, इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो लगभग हमारा अकाउंट इंडिविजुअल होता है, तो इंडिविजुअल ही करें, कंपनी लेवल पर नहीं है, उसके बाद में नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करने के बाद में सेकेंड ऑप्शन आपके सामने आता है, आर यू ए सिटीजन और ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो हम यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, हम इंडिया से हैं, अदरवाइज़ आप किसी अदर कंट्री से हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर अमेरिका से नहीं हैं तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जस्ट नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में आपके पास में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि आपको सेलेक्ट टेक्स्ट फॉर्म जो है वो सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि नॉन यूएस इंडिविजुअल हैं या फिर नहीं है, वो सारी बिजनेस इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, बिजनेस है या फिर इंडिविजुअल ही हैं, किस तरीके से हैं। तो यहाँ पर अभी हमने भरा था कि इंडिविजुअल है और हम यूएस के जो हैं वो नहीं हैं, तो इसके लिए हमें फर्स्ट जो है वो क्लिक कर देना है और स्टार्ट W8 बैन फॉर्म जो है वो स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, आप इनको पढ़ के आराम से सारी चीज़ें देख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, बट कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाली हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा टेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो निकल आ गई है, और अब हमें अपनी आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे डालनी है। तो सबसे पहले आपका नाम दे रखा है, उसके बाद में आपको बिजनेस नेम डालना है, ये ऑप्शनल है। अब सीधी सी बात है, हम इंडिविजुअल है, कोई बिजनेस नहीं है। उसके बाद में कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो कंट्री हमारी इंडिया है जैसे, तो यहाँ पर मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में, तो यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट की, उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है फॉरगेन टीन और USITIN और SSN। ये USA में जो लोग रहते हैं, जिस तरीके से हमारे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वैसे उन लोगों के लिए फॉरगेट टीन होते हैं और USA SSN नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास में देखिए पहला जो है टीन नंबर जो है वो आपके ऑप्शनल है, और उसके बाद में SSN नंबर दे रखें। तो हमारा जो SSN नंबर है या जो टीन नंबर है वो क्या होता है, वो आपको आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर टीन में डाल देना और जस्ट नेक्स्ट कर देना। देन उसके बाद में आपको आपके जो एड्रेस है वो वेरीफाई करना होता है, तो यहाँ पे जो भी आपके एड्रेस इन्फॉर्मेशन है वो आपको डाल देनी है। इससे पहले देखिए परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस इज ए पीओ बॉक्स वाला जो ऑप्शन है वो चेकआउट कर देना आपको। जैसे आप ये करते हैं उसके बाद में आपको जो कंट्री है वो सिलेक्ट करनी है, अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर पूरा का पूरा फिल कर देना है,
तो एड्रेस आपको एक चीज़ बता दूँ, बिल्कुल जेन्युइन आप फील करें क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस फील कर लिया। उसके बाद में अगर देखिए आपका जो एड्रेस है वो सेम है आपके पोस्टल एड्रेस से, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। अदरवाइज़ आप दूसरा कोई एड्रेस है, ऑफिशियल एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस, तो वो डालें। तो मेरा सेम है तो मैं नेक्स्ट कर दूँगा यहाँ पर चेकआउट करके। तो यहाँ पर हमारा जो आइडेंटिटी जो फॉर्म था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो चीज़ पूछ रखी है वो पूछ रखी है आपके टैक्स को लेकर के, टैक्स टेरिटरी को लेकर के। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इन दोनों ऑप्शंस के अंदर देखिए नीचे दे रखा है रेजिडेंट ऑफ द कंट्री रीजन क्लेम ट्री विद द US, तो यहाँ पर यस करना है और इसको सेलेक्ट कर देना है, चेकआउट कर देना। उसके बाद में जो कंट्री है हमारी इंडिया सेलेक्ट कर देंगे हम। ओके, तो यस करके हमें ये चेकआउट करना है। उसके बाद में कंट्री आपको सही से देख लेनी है। तो ये टेक्स्ट फॉर्म आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में आपको जस्ट नीचे जाना है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन ऑप्शन आपको मिले हुए हैं, सर्विस सच एज एडसेंस को लेकर के, और पिक्चर्स एंड टीवी को लेकर के, रॉयल्टीज को लेकर के, और कॉपीराइट को लेकर। तो पहले को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको करना है आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1, और इसमें 0% रेट जो है वो इंक्लूड करना। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पहले के अंदर आपको आर्टिकल 7 यूज़ लेना और यहाँ से जो रीजन है वो चेकआउट कर देना। उसके बाद में सेकंड पे क्लिक करेंगे हम, और सेकंड के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। सेकंड के अंदर आपको सेम करना है आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A, और यहाँ पर जो रेट है वो 15% करना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, पहले में 0, दूसरे में 15, और तीसरे में भी आर्टिकल 12 करना है, और इसके अंदर भी आपको जो रेट है वो करना है 15%। तीनों को अच्छे से देख लें, पहले के अंदर 0% रेट है, और दूसरे के अंदर 15, और तीसरे के अंदर 15। पहले के अंदर आर्टिकल नंबर 7, दूसरे में आर्टिकल नंबर 12, और तीसरे में भी आर्टिकल नंबर 12 ही आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में तीनों को चेकआउट कर देना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखें बिल्कुल से। तो यहाँ से हमने नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ से नेक्स्ट होने के बाद में चलिए वेट करते हैं थोड़ा। तो नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए कन्फर्मेशन मांग रहा है डॉक्यूमेंट्स रिव्यू को लेकर के। तो यहाँ पे आई कन्फर्म कर लेना है आपको, यहाँ पे कन्फर्म ज़रूर करना है। ये चीज़ें ध्यान रखें क्योंकि आपने जो भी चीज़ें डाली हैं वो सारी हमने सेट की हैं। उसके बाद में आई कन्फर्म करना है, जो फॉर्म हमने भरे हैं उनके बारे में बता रखा है, तो कन्फर्म करके नेक्स्ट कर देना। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें इनकी टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आ चुकी हैं। यहाँ पर अब आपको आपका जो लीगल नेम है, जो डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको मिले हुए हैं, यस आई एम द पर्सन नेम ऑफ द टेक्स्ट आइडेंटिटी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका है, उसके बाद में अगर आप नहीं हैं तो आपको वो सेकंड सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर हम सिंपली बात करें, हमारा खुद का ही अकाउंट है, खुद का ही यूट्यूब है, और हमारे नाम से ही हमारा चैनल चल रहा है। और अदरवाइज आपको लीगल जो नेम है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना है अपना। जो भी यूट्यूब चैनल के ओनर है वो अपना नाम यहाँ पे करेंगे, तो यस करना है, हमारा ही चैनल है, और यहाँ पे अपना जो लीगल नेम है वो यहाँ पे डाल देना है। देन डालने के बाद में नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमने कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको मिल गए हैं, ये परफॉर्म इन US के अंदर है, तो यहाँ पर नो करना है हमें। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है स्टेटस चेंज करना है, तो इसमें भी हमें देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू और पेमेंट प्रोफाइल। ओके, तो ये चीज़ें आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है कि किस तरीके से पहले आपने कोई पेमेंट उठाई या नहीं उठाई है। तो अब तक हमने एडसेंस से कोई पेमेंट नहीं उठाई है, और इस चीज़ को नो कर देना है हमें। तो ये जो आपको सेटिंग्स है वो करनी जरूरी है, इन चीज़ों को ध्यान से देख ले, कहीं पर कोई मिस्टेक ना करें। उसके बाद में आपको जस्ट कर देना है नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए इनके टर्म एंड कंडीशन है, और आई एक्सेप्ट करनी है और सबमिट कर देनी है। तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको सबमिट। तो सबमिट करने के बाद में आपकी जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है लगभग यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। और कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको क्लेम्ड दिखा देगा, मतलब ग्रीन दिखा देगा। इट मीन्स आपका जो टेक्स्ट इन्फो है वो कंप्लीट हो चुका है, और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं योर टेक्स्ट इन्फो फॉर यूनाइटेड स्टेट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, आपको एक मेल भी मिल जाएगी, और यहाँ पर अप्रूव आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, और डेट और टाइम सब कुछ आपको यहाँ पर दिखा देगा कि किस तारीख को आपने अप्रूव किया है, किस तारीख को आपने भेजा था। तो यहाँ पर हमारा गूगल एडसेंस का जो USA टैक्स
पॉडकास्ट फॉर्म वो हो चुका है अप्रूव। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर इसी तरह की बेहतरीन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लगातार मिलते रहें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए टेक्निकल पुष्पेंद्र यूट्यूब।